हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैंने सुबह का अपना नाश्ता कर लिया है घर पंडित जी लोग के लिए। इन लोग के लिए नाश्ता बनाने के बाद आइए बताते हैं कि किस चीज़ की पूजा हो रही है। देखिए बारिश भी आज हो गई। देखिए हमारे पति जो हैं पंडित जी हैं, यहाँ पे पूजा हो रही है। पितृपक्ष का होता है इस समय, पितृपक्ष चल रहा है ना, उसी का तर्पण दिलाते हैं ना अपने पितरों को। तो हमारे यहाँ मेरे पति करते हैं, तो सोचा कि आपको आज तो मेरा जितिया का पारण भी होता है। पारण मीन्स होता है खाना पीना। तो मैंने 5 बजे उठा और 6 बजे अपना हम खा पी ली। बिना खाए पिए मेरे से काम नहीं होगा। उसके बाद इन लोगों की सारी तैयारियां तो मुझे ही करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी करवा रहे हैं, इनसे बता रहे हैं कैसे करना है। इनको समझ ही नहीं आता अंगूठे से पानी गिराना होता है। तो देखिए ऐसे करके जितने भी होता है ना पितर जितने भी हैं उनको तर्पण किया जाता है, मतलब पानी दिया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये हर पुत्र को हर घर में होता है हिंदू धर्म में। देखते रहिए कैसे कैसे हो रहा है। आगे मिलते हैं, रहते हैं हम लोग ब्लॉग में। ओम जलस्य अर्घ समर्पयामि, अर्घ समर्पयामि, अर्घ समर्पयामि, अर्घ समर्पयामि, अर्घ समर्पयामि, अर्घ समर्पयामि, जलस्य अर्घ समर्पयामि, जलस्य अर्घ समर्पयामि, जलस्य अर्घ समर्पयामि, जलस्य अर्घ समर्पयामि, 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 अर्घ समर्पयामि। और ये देखिए छत पूरा भींगा हुआ बारिश से। बारिश परसों से ही हो रही थी, जितिया के एक दिन पहले से ही बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही थी। और ये देखिए यहाँ इतना दूर ढलाई किया हुआ है, यहीं पे चौकी लगा हुआ है, हम लोग बैठते हैं। और साइड में दोनों ओपन है, इस साइड भी और इधर बगल में। अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ताज़ी हवा लगती है। सुबह शाम हम लोग आके बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए। ऊपर से देखिए ढलाई किया हुआ है, तो भींगने का कोई चांस नहीं है। और ये सीढ़ी जाने का रास्ता है, आपको घर भी दिखा देते हैं। पक्ष का पूजा, पितृपक्ष की पूजा होने के बाद ये देखिए पंडित जी को खिलाया जाता है। तो पंडित जी बोल रहे थे कि नहीं खाएंगे हम, करने पंडित जी बिना खाए नहीं जाएंगे तो शुद्ध नहीं होगा घर हमारा, खा के ही जाइए। ये आज मेरा पूजा पाठ हो गया, कल का जितिया का पर्व बहुत अच्छे से हो गया, जितना हम सोचे नहीं थे उतने से भी अच्छे से हो गया। पंडित जी भी आए थे, खाना पीना खाएँ, पूजा पाठ जो होता है ना पितृपक्ष वाला वो करा के चले गए। फिर दोपहर में थोड़ा काम देखिए, फिर अपना काम को बात कर लें। आप लोग किसी चीज़ का पूजा कर रहे हैं, पितृपक्ष वाला जो होता है उसमें श्राद्ध चल रहा है, तो हमारे सास ससुर दोनों नहीं है, तो उनका पूजा ये हमारे यहाँ ये करते हैं मेरे पति देव, उन्होंने किया। और मेरा जितिया बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हो गया। सुबह उठ के खाना पीना हम खावा के, फिर पंडित जी का जो सबका पूरी फैमिली का नाश्ता सब बनाया अच्छे से। कड़ी बड़ी जो बनती जो बनता है पकौड़ी वगैरह सब बनाया, अभी बन रहा है शाम का खाना। अभी वीडियो का थक गए थे इतना कि वीडियो को सोचे कि एंड कैसे करें, तो चलो खाना भी बनाते रहते हैं, आप लोग से बात भी करते रहते हैं। तो ये सब हो गया है, आपके फिर हम लोग की लाइफ में यही है, खाना बनाते रहो, बर्तन धोते रहो, बस और कुछ भी नहीं है हम लोग की लाइफ में। लेकिन थोड़े से ये मतलब ना, जब पितृपक्ष आता है तो ये थोड़े उदास हो जाते हैं, उनको अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है। हमको तो आती ही, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, दोनों लोग हम लोग आना आती हैं, थोड़ा सा ये उस समय ये गमगीन हो जाते हैं, रंग से सोचने लगते हैं क्या किया जाएगा, ये जीवन का दस्तूर है, ऐसे ही चलती है लाइफ। एक दिन तो किसी ना हर किसी को छोड़ के जाना ही पड़ता है। आज हम भी इस लाइफ अगर इस ब्लॉग को यहीं छोड़ के जाते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए मेरा ब्लॉग डेली नहीं जाता, कभी कभी जाता है। तो देखिए अब अगला या कोई टॉपिक होता है तभी, बिना मतलब का नहीं, कुछ भी बना के बोल दो वैसे नहीं, जो कोई टॉपिक आएगा तो उस पर हम ब्लॉग बना के आपके सामने दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, वेट करते रहिए हमारे ब्लॉग को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और देखिए आप। Bye.